दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत कबीरदास जी इस दोहे में समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य अपने दुख के क्षण में ईश्वर को सदा याद करता है, वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास इंसान तब जाता है जब वो पेशेंट होता है, लेकिन जैसे ही सुख के क्षण आते हैं वो ईश्वर को पल भर के लिए भी याद नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य अपने अच्छे बुरे हर क्षण में ईश्वर को याद करता रहे और ईश्वर को ये हर चीज़ का क्रेडिट दे तो कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन हो या रात हो, सुख में और दुख में हमेशा ईश्वर को याद करिए, उन्हें कभी मत छोड़िए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश रिमाली, आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल यानी 22 नवंबर का राशिफल लेकर हाजिर हूं और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रिय लोगों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा कार्यक्रम के अंत में आप सभी प्रिय दर्शक जानेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आज हम क्या उपाय करें। आप में से जितने लोग अपनी समस्याएं भेजते हैं, हम लोग 4 लोगों की समस्याओं का समाधान कमेंट बॉक्स में जरूर करते हैं। कई बार देरी हो जाती है लेकिन करते जरूर हैं। आज ग्रहों से बनने वाले कल की तरह शुभ वैश्य योग, उभयचर योग, शुभ वासी योग के साथ शंख योग का साथ मिलेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों को हंस योग का साथ मिलता रहेगा, लेकिन श्रापित दोष और चांडाल दोष भी रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए। सुबह 9:15 से लेकर 10:15 और दोपहर को 1:15 से लेकर 2:15, लेकिन सुबह 10:30 से 12 बजे तक तो रहेगा राहुकाल और सुबह 9:01 तक रहेगी बद्रा। तो बद्रा और राहुकाल के समय शुभ मांगलिक कार्य वर्जित है। अब राशिफल की शुरुआत करता हूं मेष राशि से। आज आपका ज्यादातर ध्यान हेल्थ और वो भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बेहतरी के लिए बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उससे संबंधित किसी टिप्स को अपनाते हुए नजर आएंगे। बिजनेस पर्संस जो मिनरल, माइनिंग, लोहा, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, इससे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनका आज का दिन सामान्य से बेहतर गुजरने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ नया स्पेशल काम की तरफ गाड़ी आगे बढ़ेगी। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपके बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते मिल रहे हैं कुछ शुभ संकेत, दिन आपके लिए ऊर्जावान साबित होगा। एम्प्लॉयज आज आत्मविश्वास के दम पर स्वयं के हर कार्य को सफल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और जो बड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाने की कोशिश करिए। जीवन में कुछ बदलाव आने से आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आर्टिस्ट के और एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोगों को एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट और किसी भी प्रकार के फैशन और पैशन के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से करने के संकेत मिल रहे हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिए। मसल पेन में खिंचाव और दर्द तकलीफ दे सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी गर्ल व्हाइट नंबर 9 शुभ है। भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का ध्यान आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्राप्त करना और प्राप्त हुए का पूरा आनंद लेने की तरफ रहेगा। बिजनेस पर्सन को आज मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए भरसक प्रयास करते हुए देखा जाएगा। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप जोश की वजह से होश खो बैठेंगे और जोश की वजह से किसी जिम्मेदारी को ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी वजह से आप उसे बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझ के नहीं करेंगे पर हो सकता है। कई बार हम ये तो मेरे लिए बड़ा इजी काम है और वही आपके लिए टफ हो जाता है, लेकिन डिफिकल्ट टास्क की जिम्मेदारी लेकर उसे टाइम पर मैनेज करके उसे पूरा करते हुए आपको एक लक्ष्य और योजना बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। एम्प्लॉयज को अपनी छवि यानी जो भी आपकी छाप लोगों के अंदर है, जो भी आपके बारे में लोग सोचते हैं, जो गुडविल है, उसमें सुधार लाने के लिए स्वयं में कुछ चेंजेस करने होंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुधार सेहत को लेकर भी होगा और विचारों को लेकर भी होगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए आज अपने फील्ड में की गई किसी पुरानी गलती के कारण गिल्ट फील करने की संभावना ज्यादा है। भूल सुधार करके आगे बढ़ते चलिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। सेहत में फायदा हो सकता है, पुराने रोग दूर हो सकते हैं। लकी गर्ल ग्रे नंबर 4 शुभ है। भाग्योदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों का आज का जो विशेष विचार रहेगा वो अपने माँ के स्वास्थ्य को लेकर, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करना, माँ के किसी विश को पूरा करना, माँ के वचनों को पूर्ण करने की तरफ हो सकता है।
आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आप मेरा मंथली राशिफल देखता हूं तो मैंने कहा था कि 22 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ देते, ये मेरी वजह से, आपकी वजह से, किसी और की वजह से आ सकती है। लेकिन अगर आ जाती है तो आप कूल रहकर दिन गुजारी। बिजनेस पर्सन्स आज अपने कम प्रॉफिट वाले बिजनेस में टैलेंटेड मैन पावर की कमी महसूस करेंगे। ये तो आपके ही हाथ में है कि हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस वाले लोग अपने साथ जुड़ें और जिसके अंदर पोटेंशियल अधिक हो उन पर विश्वास ज़्यादा करें। पुलिस, फौज, प्रशासन, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, फायर ब्रिगेड, पावर हाउस और या सरकारी तंत्र और सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए किसी विभाग में अगर आप जॉब करते हैं तो कोई मुश्किल आपके ऊपर आ सकती है, मुश्किल टास्क होगा या कोई भी तकलीफ आ सकती है। आप अलर्ट और अवेयर जरूर रहें और प्रिकॉशंस जरूर लीजिए। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से उच्च अधिकारियों से एम्प्लॉयज को फटकार लग सकती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में उस बात का पता रखिए जो छुपते छुपाते आपको पता लग चुकी है, किसी का राज आपको पता लग चुका है। इससे ना आप डिस्टर्ब हों ना अगले की छवि खराब करें। स्टूडेंट के आज अपने काम में जानबूझकर मन नहीं लगाने के कारण अपनी पढ़ाई में पिछड़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें फिर दूसरे काम करें। आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे अगर ऐसा करेंगे। आप जाग जाइए क्योंकि अब मौसम आ गया है एग्जाम का और वैसे भी मौसम बदल रहा है तो इससे सर्दी, जुकाम और सांस की तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर पर्पल नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों का अपना ध्यान छोटे भाई बहनों की तरफ जरूर होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, उससे जुड़े हुए लोगों को जैसे हॉकर, कोरियर, मोबाइल, फास्ट फूड, डेली सर्विसेज का काम करना है, ट्रैवल करने वाले लोगों को आज मेहनत से काम में जी चुराते हुए साइन मिल रहे हैं और हो सकता है लाभ भी कम मिल जाए। इससे आपका मानसिक अशांति बढ़ सकती है। लेकिन वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आप अलर्ट जरूर रहेंगे और वो पूरा कामयाब नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ऐसा सतर्क रहें। एम्प्लॉयज अपने कार्य से उच्च अधिकारियों के चहेते बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में तनाव खत्म होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ झुकाव भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट के आज अपने खान पान पर पूरा ध्यान नहीं दे पाने के संकेत मिल रहे हैं। अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी सेहत पर कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारी भोजन और जंक फूड से बचना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर सावधान जरूर रहें। लकी कलर पिंक नंबर 6 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों का ध्यान धन निवेश, धन को संचय करना और जो धन आने वाला उसे प्राप्त करना, आए हुए धन को सही इन्वेस्टमेंट करना, खर्चों को कम करने की तरफ विचार होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और स्पेशली होलसेलर्स आज अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार की बाजी बार ले जाने में आप अव्वल हो सकते हैं, ऐसे सुसंकेत मिल रहे हैं कि आप काफी व्यस्त रहेंगे। आज वर्क प्लेस या वर्क फील्ड पर आपकी किसी सजगता की वजह से बड़ी दुर्घटना टल सकती है। आज का दिन आपको एक प्रोटेक्टर सिद्ध कर सकता है। एम्प्लॉयज का आज कार्यस्थल पर कार्य में मन नहीं लगना भी एक संकेत मिल रहा है। जूनियर से किसी कार्य में हेल्प मिल सकती है या सबॉर्डिनेट और आसपास के लोगों से भी हमें एक बेहतर सूचना मिल सकती है, कोई राज पता लग सकता है या फिर किसी प्रकार का आइडिया हमें मिल सकता है। निकट भविष्य में होने वाले कुछ परीक्षाओं, कॉम्पिटिशन्स के कारण स्टूडेंट के आज अपनी अपनी स्ट्रीम में 100% दे पाने के संकेत मिल रहे हैं। वाहन सावधानी से जरूर चलाएं, वाहन की सर्विसिंग समय पर करवाते रहें। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों का ध्यान आज अपने विवेक की तरफ रहेगा, जो भी आपका कॉमन सेंस है उसकी तरफ रहेगा। बिजनेस पर्सन्स को आज किसी बड़ी डील के पूरे होने की उम्मीदों के बढ़ने से खुशी और फायदे होने की मिलीजुली फीलिंग मिल रही है। वर्क प्लेस और वर्क फील्ड में मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के सामान्य तौर से अपने अपने कर्म में लगे रहने के संकेत मिल रहे हैं। एम्प्लॉयज के उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, जिनका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप की कोई बात आपके दिल को पिघला सकती है। आप उस बात को लेकर भावुक भी हो सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस से दिन मत गुजारिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। स्टूडेंट के आज का दिन सामान्य गुजरने के संकेत मिल रहे हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को अपने कर्म में कितना अप्लाई करते हैं और कितना ईमानदारी से काम करते हैं। आज आप अपने वजन को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे कि ये वजन थोड़ा कम क्यों नहीं होता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्राण जाए पर वजन ना जाए। लकी कलर गोल्डन नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। तुला राशि वाले दर्शकों को आज खर्चों में कमी करना, खर्चों से पूरा लाभ लेने की तरफ ध्यान रहेगा। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा
अगर आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 22 नवंबर को चंद्रमा आपके बाहर में रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति दे दे, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या तकलीफ दे दे, इसलिए कूल रहकर दिन गुजारने की कोशिश करेगा। बिजनेस पर्सन्स आज अपने कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनसे हमारी किसी प्रकार की प्रतियोगिता चलती रहती है कि अव्वल कौन रहे, अपने बिजनेस पर नजर रखिए, दूसरों पर ध्यान मत रखिए, चिंता छोड़कर चिंतन करिए, वरना नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा आपको बिजनेस में। चिंता के स्थान पर चेतना जगाइए और अपने कर्म में लग जाएंगे तो आपको दूसरों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड पर आज आपको अपने किसी ड्रॉबैक के चलते नौकरी या जो भी आप प्रोफेशन के काम से जुड़े हुए हैं उसमें डर या अननोन फियर आपको सताएगा। धैर्य रखें और ऐसे टाइम अच्छा म्यूजिक सुने, ऐसे लोगों से मिले जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। एम्प्लॉयज आज आप दूसरों की देखा देखी करने से बचें, देखा देखी से आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई छुपी हुई बात या राज आपको मिलेगा और उससे आपके मन में शक और अनबन दोनों पैदा होगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के आज अपने गुरु मेंटोर टीचर मन वचन और चिंतन संबंधित किसी महत्वपूर्ण गुरु मंत्र को पा लेने के संकेत मिल रहे हैं। पेट में दर्द या पैरों में तकलीफ परेशान कर सकती है, ख्याल रखेगा। लकी कलर डार्क ग्रीन नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों का आज ज्यादातर ध्यान अपनी बड़ी बहन या किसी बहन की समस्याओं को हल करने की तरफ रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लाइन से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन के आज मशीन्स और टूल्स रिलेटेड महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपके एक लीडर के रूप में उभरते हुए या लीडरशिप की क्वालिटी उभरते हुए सभी सहकर्मियों को संगठित करके कुछ अधिकारियों के लिए संघर्ष करने जैसे संकेत मिल रहे हैं। एम्प्लॉयज को आज कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे जो उनके जीवन में कोई नया मोड लाएगा। जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ आज अचानक ही शॉपिंग की प्लानिंग बन सकती है। आर्टिस्ट के आज सुविधा भोगी और आलसी होने के सुसंकेत मिल रहे हैं, इसलिए ये सुसंकेत को आपको हटाना है और आलसी नहीं बनना है। अच्छी सी पावर नैप लीजिए और आगे बढ़िए। अपने गुरु मेंटोर टीचर या शुभ चिंतक से मार्गदर्शन आज जरूर मिलेगा। खर्च बढ़ने से चिंता बढ़ सकती है और कर्ज भी बढ़ सकता है, इससे शारीरिक और मानसिक अशांति पर असर पड़ेगा, इसके अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए और लाभ मिलेगा इससे। जल्दीबाजी किसी चीज में मत करिएगा। लकी कलर की बात करें तो लेमन येलो नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को आज ज्यादातर ध्यान अपने पिता के चरण स्पर्श करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना, उनके साथ कोई कोल्ड वॉर हो तो खत्म करना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बिजनेस पर्सन्स के आज अपने बिजनेस में उत्साही रहते हुए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्कीम और पॉलिसी रिलेटेड कामों में आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप अपने शानदार काम से औरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने में कामयाब हो सकते हैं। एम्प्लॉयज को प्रमोशन का गिफ्ट मिलते हुए दिख रहा है, साथ ही अपने होम टाउन में स्थानांतरण भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन लव लाइफ और रिलेशनशिप में रोमांटिक क्षण देखने को मिलेंगे। जो कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी है उस पर आप व्यस्त रहेंगे। और स्टूडेंट जिनके इस महीने और आने वाले महीने में यूपीएससी का एग्जाम है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, उस पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। अब जिनके पास एकाग्रता की कमी है, जो जितनी उनकी उम्र है उतने मिनट रोज मेडिटेशन कर ले तो इंसान की जिंदगी सुचारू रूप से चल पड़ती है। आज मेडिकल मेडिसिन पे खर्च बढ़ सकता है। लकी कलर स्काई ब्लू नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मकर राशि वाले लोगों का ध्यान आज ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान की प्राप्ति की तरफ रहेगा। बिजनेस पर्सन्स के आज अपने बिजनेस में कितना डिस्काउंट देना है, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। मार्जिन आपको मिले न मिले लेकिन आज हो सकता है कम पैसे में ही हम ग्राहक को चीज दे दें, कल हो सकता है दूसरी चीजें मुनाफा कमा लेंगे, इसमें रहिए। ऐसी मार्जिन से संबंधित जरूरी बातों पर ध्यान रखने के संकेत मिल रहे हैं। आज वर्क प्लेस या वर्क फील्ड पर काम करते हुए आपका काम में मन लगा रहेगा, ये एक ईमानदार कर्मचारी की विशेषता है। एम्प्लॉयज को आज टेंशन वाले मामलों से राहत मिल सकती है। जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ पुराने वैचारिक मतभेद दूर होंगे। समय अधिक से अधिक अच्छा बिताने की कोशिश करिए। स्टूडेंट के आज अपने अपने फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाने या नया नहीं कर पाने के संकेत मिल रहे हैं, इससे शाम को आपको मलाल रहेगा।
अपने आप को अपने अपने फील्ड में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कीजिए। सही काउंसलिंग का आपके जीवन में सही दिशा का प्रभाव मिलेगा। आज थकान और नींद की कमी तकलीफ दे सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों का आज ध्यान ननिहाल की तरफ रहेगा और हो सकता है ननिहाल से ब्लेसिंग की तरफ रहे। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 22 नवंबर को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कोई मानसिक अशांति, काम में डेली डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो आप कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए दिन गुजारने की पूरी कोशिश करिए। बिजनेस पर्सन के आज बिजनेस में कई समस्याओं का सामना एक साथ करना पड़ सकता है, धैर्य रखें और एक एक करके दूर करें। हाई विल, हाई स्किल और हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस वाले लोगों की टीम बनाइए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आपको गाड़ी, मोटर, मशीन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी, टूल रिलेटेड किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। धैर्य रखें और आराम से काम को निपटाने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयज, सोच समझ कर ही बोलें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, वरना आपके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में अत्यधिक शॉपिंग, अत्यधिक भार और अत्यधिक भागदौड़ आपके जेब पर, आपके मन मस्तिष्क पर बुरा असर डाल सकता है। खर्चा बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ सकती है। स्टूडेंट के आज अपने अपने फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नई योजना बनाने के संकेत मिल रहे हैं। सेहत को लेकर मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए ज्यादा हितकर रहेगा। लकी कलर क्रीम, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मीन राशि वाले लोगों का ध्यान साझेदारी के बिजनेस की तरफ होना चाहिए और बिजनेस पर्सन आज अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और किसी सोशल मीडिया के द्वारा मार्केटिंग के फंडे को अपनाते हुए, कॉन्सेंट्रेट करते हुए बिजी नजर आएंगे। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज पूरे जुनून से काम करने में आप मशगूल हो सकते हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आप आज ग्रोथ करने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोक नहीं सकती, ऐसा जज्बा और जुनून आपको पैदा करना है। एम्प्लॉयज को आज कोर्ट कचहरी, लीगल कॉम्प्लिकेशन के मामले में राहत मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में खर्चों के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है और ये परेशानी आपको नुकसान देगी, इसलिए हमेशा पैसे को संभाल के रखिए, जबरदस्ती खर्चे मत करिए। और पैसे को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचना और सोचने की वजह से परिवार के लोगों के साथ रिश्ते खराब मत कर लीजिएगा। स्टूडेंट के आज अपने अपने फील्ड में काम में पूरा मन नहीं लगने की संभावना है। फेस्टिवल टाइम अक्सर हमारी पूरी दिनचर्या को परिवर्तित कर देता है। मन को वश में कीजिए और कोशिश करते रहिए कि आपको लाभ मिले। स्वास्थ्य को लेकर खर्च बढ़ सकता है, अपनी सेहत पर जरूर ध्यान दीजिए और प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। कितना अच्छा होगा हम योग, प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन की एक्टिविटीज से दिन की शुरुआत करें तो ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना मेडिकल का खर्चा होगा और फिट रहकर हम तरक्की ज़्यादा कर पाएंगे। शारीरिक सुख में इससे कमी आएगी। लकी कलर मैरून, नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। अब आइए वो खास उपाय आप सभी को बताता हूं जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, मां लक्ष्मी और धन से संबंधित किसी विशेष समस्या का हल करता है। शुक्रवार को बहुत अच्छा रहता है कि हम कहें कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो फ्राइडे यथाशक्ति और इच्छा शक्ति के द्वारा 12 साल या उससे कम उम्र की कन्याओं को 7-12 किसी ऐसी गर्ल्स स्कूल में भी जा सकते हैं, छोटे बच्चों को वहीं पर जाकर आप कुछ न कुछ भेंट जरूर दीजिए, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, यूनिफॉर्म हो, खिलौने हो सकते हैं, अच्छा बैग हो सकता है, बैग के अंदर रखने वाली कोई चीज़ हो सकती है, मोर पंख हो सकता है, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं ऐसी चीज़ें, कोई गिफ्ट चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ आपको भेंट जरूर करना चाहिए। और वो भी ऐसा ना हो कि क्लास में 50 बच्चे हैं, आपने 7 को दे दिए और बाकी फिर देखते रह गए, तो बेटर है कि आप 7 ही बच्चे ढूंढें जो अलग अलग जगह रहते हो तो उनको दे दीजिए। इससे आपको आज बहुत आनंद और बहुत ही पुण्य मिलेगा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और पॉजिटिविटी अंदर घर कर जाएगी। आप सभी प्रिय दर्शकों को मैं अपना स्केड्यूल बता रहा हूं और उन लोगों के लिए खास स्केड्यूल रहेगा जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मैं 23 नवंबर को मुंबई, 24 नवंबर और 29 नवंबर को दिल्ली में रहूंगा, 25 नवंबर जयपुर, 30 नवंबर को हैदराबाद और 1 दिसंबर को बेंगलुरु रहूंगा। वहां से लौटने के बाद 5 दिसंबर को दिल्ली, 6 दिसंबर भुवनेश्वर, 7 दिसंबर को कोलकाता और 8 दिसंबर जमशेदपुर में रहूंगा। 13, 14 और 15 तारीख को मैं सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद में रहूंगा। उसके बाद 20 दिसंबर को मुंबई, 21 दिसंबर को पुणे और 22 दिसंबर को नासिक में रहूंगा।
अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो 30-31 दिसंबर, 9 और 10 जनवरी को मैं लंदन इंग्लैंड में रहूंगा, 1 और 2 जनवरी को नीस फ्रांस में, 4 जनवरी को मैं केन्स फ्रांस में रहूंगा और 5 से 8 जनवरी को सेंटा क्रूज टेनेरिफ आइलैंड स्पेन में रहूंगा। अगर आप इन शहरों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इन देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शानदार आपका दिन गुजरे, वीकेंड आपका शानदार हो, इस उम्मीद के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी मासिक पत्रिका ग्रहों का खेल के सदस्य अवश्य बने और आप हमारी वेबसाइट ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज का दिन शानदार, प्रार्थना करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।